वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु मुझे जाना ही जाना है। जब तुझे ये पता है तो मुझे हंसकर क्यों नहीं भेजती? कम ऑन स्माइल, स्माइल डैमिट। लेकिन कंपलसरी नहीं है ना, तो जाने की क्या जरूरत है? कंपलसरी है। यू लायर, मैंने कंफर्म किया है। आशा का भाई भी तो आर्मी में, वो कहता है कंपलसरी नहीं है। आशा का भाई सप्लाई वाला है, एएससी आर्मी सर्विस कोर, उनके लिए कंपलसरी नहीं होता, मुझे है। ओके, छूटा कहीं का। अभी अभी तो हमारी एंगेजमेंट हुई है और 2 महीने में शादी होने वाली है। अरे तब तो जाना और भी जरूरी है। तेरे साथ जिंदगी बितानी है तो I've got to be tough, strong, ने? May I help you? अरे कुछ मेरे को काम बताओ। मालूम है अब शर्ली संभालेगी, फिर भी मेरे लायक कोई काम? कोई जरूरत नहीं ऐसा काम करने की। कंपलसरी है, कंपलसरी है तो भी झूठ बोलता है। कमांडो नहीं बनेगा तो आर्मी का काम नहीं रुक जाएगा। झूठा देखा डैड, मुझे झूठा कह रही है। पहले से ऐसी है, कॉलेज में भी मेरी मैचेस देखने कभी नहीं आई। क्यों पीटर, मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकती पीटर। मुझ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसे। जब कंपलसरी नहीं है तो क्यों जा रहा है? क्यों जाएगा? जाएगा जा, नहीं करती तेरे से शादी। हेल विद यू शर्ली, काहे को अपना दिमाग खराब करती? इट इज कंपलसरी, अच्छी तरह समझ ले, तेरी शादी एक फौजी के साथ हो रही है। यू टू, यू टू, ओके ओके। कमांडर साहब, आपके जूते कहाँ रखूं? नहीं जगह ठीक है लेकिन फिसल जाएंगे। यू टू, आप भी इसके, ये क्या है, क्या है ये? हाँ ये कोई शुरू करने का वक्त है, नर्वस हो जाते तो चचल बन जाते हैं। अरेंज करके रखना, मैं अभी आया। माय फुट, दीदी सर्विस करोगे या आगे पढ़ोगे? पढ़ूंगी, आगे पढ़ने का इरादा तो है लेकिन सर्विस करके ही पढ़ना होगा, छोटे भाई की पढ़ाई भी तो। ए चिकू, अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों उदास हो रहा है? कम ऑन चेयर अप, जल्दी आ जाऊंगा यार। तुम भी जा रहे हो और वो ऊपर वाली आंटी भी जा रही है। कौन, डेंगेस्ट आंटी? हाँ, उनके आज एग्जाम्स खत्म हो गए और वो पुणे जा रही है। ओ, आजा। आजा। लेकिन तेरी क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे कहानी कौन सुनेगा? ओ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। ऐसा करते हैं, हाँ? मैं जब वापस आऊंगा ना तो खुद एक कहानी बन के आऊंगा। हाँ? फिर शान से देखना भी और सुनना भी, क्यों? हाँ, तो फिर चाओ म्याओ। ओके, चाओ म्याओ, चाओ म्याओ, खिचड़ी पकाओ। ले, चाओ, खा ले। पूरन पोली, वाओ, दीदी यू आर ग्रेट, जस्ट ग्रेट। यही तो कुछ बातें हैं जो मुझे जाने से रोकती हैं। आपकी पूरन पोली, चीकू का चहकना, शर्ली के तेवर और डैड का अकेलापन। चांगले, हेलो सर, आज मैं कमांडो ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप खुश होंगे, चलता हूँ सर। और दीदी तुम इस पर अच्छी तरह नजर रखना, जब तक इसकी स्टडीज न पूरी हो जाए, नो टीवी एंड नो वीडियो फॉर हिम, राइट चिकू? राइट सर, जल्दी आना। ओके बॉस,
पीटर, अब तुम अकेले नहीं हो, शैली भी है, संभाल के। अच्छा चिकू, चलता हूँ दीदी। ये क्या हो रहा है डैड, क्यों पैसे दे रहे हैं? कमान कमान नहीं, किस बात के मिलने आया है? कब से इंतजार कर रहा है, जा मिल ले। हाय अंकल विली। हाय, सारी तैयारी हो गई पीटर? ये क्या कर रही हूँ ना मैं, दिस हार्ड हेडेड फूल, कितना समझाए इसे, मानता ही नहीं है। और ये मेरे फादर इन लॉ मिस्टर जॉन डिसूजा, ये भी हो गए दुश्मन कैंप के। शैली तो बहुत बोमा बोम करती है। यू टू ओके जानती हूँ मैं सबको। शैली फॉर गॉड से प्लीज, जा रहे हो पीटर, ऑल द बेस्ट। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इसके लिए भी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। You have to be careful, okay? Yes, have to be careful. He will. बहुत ख्याल रखेगा अपना, I know. You don't worry, okay? फोटो काय को? क्या करेगा? दोस्त सीधी बात नहीं कर सकता, फोटो लेके क्या करेगा? तू भी तो काय को आया? क्या काम है? Get out. शैली, क्या हो गया आया तो? पीटर का दोस्त है, उससे मिलने को आया है। My foot! मुझे मालूम है क्यों आया है। शैली, यार पीटर, तुम्हारे आदमी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी एक ही सिस्टर है, अभी अभी तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है और तू उसको छोड़ के जा रहा है। I'm feeling very sad यार। बस ड्रामा मत कर, मालूम है कितना, ये क्या है? What is this? कितनी बार कहा इसको एनकरेज मत कर, मालूम है क्या करता है? वापस कर। पीटर, चल, टेक जा। छोड़ दे चरस गांजा। पीजा, ये कौन लेके जाएगा? क्या? वो कौन लेके जाएगा? वो क्या? वो। अरे, शैली। You idiot, तुम कुछ भूले नहीं? क्या? सलाम सर, नाम यूनिट और कमांड लिखिए सर। सलाम सर, गाड़ी में बैठिए। नानक ना लिया क्या? नहीं यार, वो रहना हफ्ते भर का नहारा। अरे दिगंतो, बहुत कड़क ट्रेनिंग है, तू और भी नाटा हो जाएगा। और बेटे, अगर कहीं मेजर चौहान के ग्रुप में फंस गए ना,
तो कड़क नहीं कड़कदार हो जानी है। साई का पापड़ खाया है कभी? खाया है खाया है। क्यों इतना खा रहा था? इंडियन से तो ज्यादा नहीं होगा ना? बहुत रगड़ा लगाता है, अच्छे अच्छों के कच्चे फट जाते हैं, बाद में हौले हौले एक एक टांका लगता है। मैं तो घर से हथेली पर लेकर आया हूँ। यार तू चौहान डिस्क्राइब कर रहे हैं टैंक। अच्छे अच्छे देखें यार, देख लेंगे चौहान को भी। अरे तो फिर अभी से क्यों परेशान हो बरकरदार? ओए खालसे, तू चौहान को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है? अरे उस चिपके कान वाले को कैसे भूला जा सकता है यार, बड़ी कुत्ती शय है। मेरी फर्स्ट रन में प्लाटून कमांडर था, कैप्टन था उस वक्त, हम मेजर हो गया है। ही मींस बिजनेसमैन। छोड़ो यार, ही इज अ बड़ी पेन, यू नो वे। तू तो बड़ी आस लेके आया ना, लेकिन दिगंटो का फायदा हो जाएगा। वो कैसे? इसकी आंखें चौड़ी कर देगा वो चवन। सिर्फ आंखें? अरे सुन, उनको गालियां दे रहे हो, कुछ तो सिखाई गई ना? हाँ सीखना। अरे यार एक सिगरेट देना, इमरजेंसी कॉल है। अबे ओ पहाड़ी, यहाँ सिगरेट बीड़ी पीना मना है, एक एक का कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। कमांडोज, आप सबको सुबह 0400 बजे पीटी ग्राउंड में फॉलन होना है। और सुनो, वेलकम जोकर्स, मैं मेजर चौहान फ्रॉम सेकंड मराठा खाली पांचवी विश्राम। याद रखो तुम यहां कमांडो ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं। हम यहां नौजवानों को जवान और जवानों को जाबाज कमांडो बनाते हैं। कमांडो का मोटो है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अब मैं तुम्हें अगले 35 दिनों में होने वाली कार्रवाई के बारे में तरतीबार बताऊंगा। पहले कुछ दिनों की ट्रेनिंग दमखम मजबूत करने के लिए बीपीटी से शुरू होगी। उसके बाद बीओसी यूसी दैट इज बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स अनाम कॉम्बैट होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस जंप, सर्वाइवल ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव और डिमोलिशन को इस्तेमाल करने की कार्रवाई सिखाई जाएगी। असॉल्ट चार्ज, एडवांस स्टील कटिंग टेक्निक सिखाई जाएगी, दाहा का इस्तेमाल, ट्रैप बनाने और रूट मार्क करने की कार्रवाई, रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग, एंड्यूरेंस के लिए पिट्टू के साथ मार्च करने की प्रैक्टिस और रस्सी के सारे हेलीकॉप्टर से उतरने की कार्रवाई भी सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इसकी कामयाबी के लिए मुझे तुम्हारे जोश, उत्साह और पक्के इरादे की जरूरत होगी। ट्रेनिंग के दौरान किसी जोकर को बंदोबस्त या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम होती है तो एडम जेसीओ या एनसीओ से मिल सकता है। यह दूसरी बात है कि सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक की ट्रेनिंग के बाद शायद ही किसी जोकर को उनसे मिलने का मौका मिलेगा। रात को तुम्हें शायद 4 घंटे की नींद मिलेगी, यही तुम्हारा मनोरंजन होगा। हमारी पूरी ब्रीफिंग के दौरान किसी जोकर को किसी तरह का शक दैट्स गुड होना भी नहीं चाहिए। अब तुम लोग अपना परिचय दोगे। कमांडो अहमद खान सर। कमांडो दिगंत मिली सर। डोंट टॉक लाइक अ सेसी सोल्जर की तरह बोल। कमांडो दिगंत मिली सर। कमांडो पीटर डिसूजा सर। कमांडो अजय मोरे सर। कमांडो कमांडो क्या प्रॉब्लम है? चलो सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर। क्या डर? चलो हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? हैं? आ जाओ। आ जाओ। इधर ला। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है?
बैलेंस कर लो एंड गो लाइक दिस। चलो चलाए तो जान ले। क्या कर रहा है जवान देख लेगा तुम? वो तो आगे चला गया। सर कमांडो दिगंत मेले हमने कार्यपट्टी की रिपोर्ट देता है सर। जय जुगे सर। ठीक है ऊपर जाम ऊपर जाम। किसी को चोट? नो नो सर। कोई शक? नो सर। थकान? नो सर। सभी ऑब्स्टिकल सही तरह से किए? यस सर। हम कमांडो पीटर कमांडो खान फॉल आउट। सभी ऑब्स्टिकल सही तरह से हुए? यस सर। कठिन चढ़ाई में कोई दिक्कत? सर थोड़ी है। फ्रंट रो सर। आज की प्रैक्टिस में कमांडो खंडाल ने सबसे अच्छा टाइम। वन गुड ऑब्जर्वेशन।
लाइन तोड़। सर पानी पी सकते हैं? सर बिल्कुल पी सकते हैं। गुरुवार सूखा दिन। सर पानी नहीं है सर, गुरुवार सूखा दिन। यूसी पीठ के पास नलका है, वहां जाके पानी पिएंगे दौड़ के। सर से डर लगता सर, नहीं होता सर। हाय ले ली, इंसानियत के दुश्मन ने ले ली। सिगरेट कौन पी रहा है उसको बोल, थोड़ा धुआं इधर भी फेंक। कौन है भाई? माइकल दास। पीटर, पीटर, मेरी नाक पे मक्खी बैठी है, उसे उड़ा दे यार। उड़ जा भाई, उड़ जा। उड़ गई? नहीं यार, ये भी नाजायज फायदा उठा रही है। चौहान से कहो उसे 10 राउंड का ऑर्डर दे। रन, रन। देख लेंगे चौहान जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहीं रुको। हे पीटर, तू क्या बोलेगा? मैं तो कंधे में मोचे बोलूंगा यार। तेरा कंधा तो मेरा हाथ। अरे आज तुम लोग मेरा कमाल देखना। ओके डॉ। ओके जाओ। बाय। ना ना, क्या प्रॉब्लम है? बाएं हाथ में दर्द है सर। बाएं हाथ में दर्द है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कंधे में मोच आई है सर। कंधे में मोच आई है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सर पैर में बहुत दर्द हो रहा है सर। ओके, पैर दर्द इधर आ जाओ, कंधे का मोच पीछे चला जाओ, हाथ का दर्द साइड में आ जाओ, बाकी सब इधर खड़े रहो। इधर आओ। तुमको क्या हो गया? सर पेट में बहुत दर्द हो रहा है सर। पेट में दर्द हो रहा है? ओके, आज मैं सिर्फ पेट दर्द को देखूंगा, बाकी सबको कल देखूंगा। लाइन तोड़। कम। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? सर पेट में दर्द हो रहा है सर, यहाँ लेफ्ट में। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ सर। कपड़े उतार के उधर लेट जाओ। सर लेकिन पेट में दर्द हो रहा है सर। फिर कपड़े उतार के उधर लेट जाओ। यस सर। राम सिंह प्रोक्टोस्कोप। हेलो जोकर्स। ग्रुप सावधान। विश्राम। कंधा कैसा है तुम्हारा? बेटर सर। क्या कहा डॉक्टर माथुर ने? कल फिर बुलाया सर। वो नेचर थेरेपी में विश्वास करते हैं। यस सर। कहो खंडागले। यस सर। पेट कैसा है? ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं है सर। डॉक्टर माथुर कैसे लगे?
अच्छे लगे सर, जीनियस है सर। एक बार डॉक्टर माथुर से मिलने के बाद दोबारा पूरे कोर्स में किसी का पेट नहीं दुखता। यस सर। 10 मिनट के बाद लेक्चर स्टैंड पर मिलते हैं। बास्टर्ड। मेरा लट्टू दो, तो अपना लट्टू लेके आ। बाली वो मदिया बैठी है उसकी याद में, गाने से पेट थोड़े ही भरता है, जले जाओ उसे। बाली वो मदिया और ऊपर से ये मुसीबत पैदा करके रखी है। सुन रे सजरिया, मुझे लड्डू के लिए पैसे दो ना। मुझे लड्डू के लिए पैसे दो ना, दो ना, दो ना। चल मैं देखूं कैसा। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा, छोड़ चल मार, छोड़ मार, चल बोल दे क्या करेगा तेरा चार, चल ना मुझे देखिए ऐसे के, छोड़ ना, छोड़ ना, छोड़ ना, छोड़ ना, छोड़ मुझे, छोड़ ना, छोड़ ना, सारा मुझे नहीं जा रहा है तेरे लिए, पैसे गिरे चार, अबे हटना राम की लाश वाले, मेरी माँ को छोड़ो, मेरी माँ को छोड़ो, छोड़ दो मुझे, नहीं आना तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे। ए दुख सा जय है राम, याद पिया के आए हैं, याद पिया के आए। सब खाना लगाएंगे, खाना लगाएंगे, नहीं तुम जाओ, लाइट बंद कर दो। कमांडो पीटर डिसूजा जाइए। कमांडो पीटर डिसूजा तैयार सर। कमांडो पीटर डिसूजा शुरू कर। खड़े हो जाओ,
खड़े हो जाओ। शाबाश, आगे बैठ। ऐसा ऐसा कमांडो पीटर डिसूजा जम के लिए तैयार हो जाओ। कमांडो पीटर डिसूजा जम के लिए तैयार नहीं सर। यू इडियट, इरादा पक्का करो। इरादा पक्का है सर, जम नहीं करूंगा। तो फिर लेट करो वहां। नाइस जंप। कमांडो खंडागले। यस सर। कम ऑन। कमांडो खंडागले तैयार सर। शुरू कर। खंडागले खड़े हो जाओ। यस सर। खंडागले खड़े हो जाओ पहले। यस सर। खड़े हो जाओ, डरो मत, खड़े हो जाओ। कोशिश कर रहा हूं सर। शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ खंडागले। यस सर। आराम से आ जाओ, आगे बढ़ो। यस सर। बीओसी में तुम्हारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, कम ऑन। यस सर। कम ऑन स्टार्ट ट्राई। यस सर। जा रहा हूं सर। यू आर नॉट ट्राइंग, कम ऑन। आई एम ट्राइंग सर। खंडागले सर, क्या कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं सर? सर मैं आप ऊपर आने की तकलीफ मत कीजिए सर, मैं जा रहा हूं ना। कम ऑन डू इट। आई एम डूइंग इट सर। कर सकते हो खंडागले, शाबाश शाबाश। हेलो सर। सो मैं गिर जाऊंगा सर। नहीं गिर जाओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है सर। वो क्या प्रॉब्लम है? बहुत ऊंचा है सर। क्या प्रॉब्लम है? ऊंचा है सर। चलो चलो उठो उठो, तुम कर सकते हो। चलो सर, पैर रखने के लिए जगह नहीं है सर। तुम कर सकते हो खंडागले, एक आदमी को पैर रखने कितनी जगह लगती है। चलो उठो उठो खंडागले, तुम्हें वापस करना होगा। चलो करूंगा सर। अभी सर? कल करूंगा सर। नहीं कल नहीं, अभी। चलो उठो। हाँ हाँ, तो संभाल गया सर। आजा, खड़े हो जाओ, नहीं तो खेल दूंगा सर। ऐसा मत कीजिए सर। खंडागले आई टेल यू आई विल किक यू। No, sir. Come on, get up! No, sir. What's
सर अब इतना ही तो रह गया सर। चलो सो चलो नीचे सो। कमांडो दिखंतो जय दुर्गे। कमांडो दिखंतो मिले तैयार सर। दिखंतो मिले शुरू कर शुरू कर। शाबाश शाबाश दिखंतो आगे बढ़ नहीं सर नहीं। अरे नहीं क्या? नहीं आता है सर नहीं आता है। कैसे नहीं? आगे बढ़ नहीं आता है सर। यू टू बाय टू मंकी क्रॉल करके आगे बढ़। एग्जाम नहीं मारूंगा सर, निश्चय भी नहीं आऊंगा, मैं यही ठीक हूँ सर। स्वीट हार्ट सॉरी लेटर लिखने में देर हो गई। दरअसल सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग के बाद इतना थक जाता हूँ कि फिर न कुछ करने का दिल करता है ना ही कुछ कर पाने के लायक रहता हूँ। जिस्म दिमाग का साथ छोड़ देता है। कभी कभी तो लगता है कि अगर तुम्हारी बात मान ली होती तो अच्छा होता, लेकिन फिर वो बात याद आती है जो आर्मी ज्वाइन करने से पहले डैड ने मुझसे कही थी। है बाहर इधर भी देखो, बिजनेस कौन चलाएगा? बिजनेस चलाने की अब मेरी उम्र नहीं रही, तो मेरी शरण भी नहीं रही। वो तो तुमको पैदा करके चल दी ऊपर, वो होती तो मैं। अब तुम भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा अकेला? लेट हिम गो, जाने दो उसे, मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हारी देखभाल। यू डोंट वरी, लेट हिम गो। एनसीसी का बेस्ट कैडेट का मेडल क्या मिल गया, अपने को जनरल समझता है। गो गो। फिर भी कहती हूँ मत जाओ, डोंट बी पिग हेडेड, ओके? देखो सनी, अगर एडवेंचर के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो वे सारे शौक तो यहाँ भी पूरे हो सकते हैं। स्विमिंग, शूटिंग, राइडिंग, फ्लाइंग, क्या नहीं है यहाँ? फ्रीडम फाइटर, ठीक कह रहे हैं, सोच लो, टेक योर टाइम। आई एम सॉरी डैड, मैंने डिसीजन ले लिया है। माय फुट, डिसीजन लेने की अकल है तुम्हें? I have decided. दीदी तुम ही समझाओ इसे। उसे अच्छा लगता तो जाने देना, मैं पीटर के साथ हूँ। You too? Okay, 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 पीटर, जाना चाहते हो तो जाओ। हमारी बेकरी बहुत बड़ी नहीं है, पान कस्टमर्स की लाइन लगती है यहाँ। क्यों? क्योंकि वी आर द बेस्ट। इसी तरह यू हैव गॉट टू बी द बेस्ट। सबसे अच्छा फौजी बन के दिखाना है तेरे को। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस डैड। आई हेट यू। आई लव यू शर्ली। राम राम साहब। राम राम। शिंदे, ये यूनिफॉर्म ले आना। ये रिबन कैसे लगाया? सॉरी सर। हाँ, कितने साल हो गए फौज में? जाओ सीधा लगाओ, पानी लेकर आओ। इडियट। Thank you.
हेलो जोकर्स। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठो सर। आप सर प्लीज बैठो। सर खान। सर एक चाल छह और मात। नहीं सर एक चाल में तो नामुमकिन है सर। सोचो। सर तुम नहीं शतरंज खेलते? जी नहीं सर। खेला करो फौजी के लिए अच्छा गेम है। हर कोई हर काम तो कर नहीं सकता सर। आप शतरंज खेलते हैं मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। रिलैक्स सर। खान। सर सॉरी सर। छह और मात। सर प्रार्थना के लिए नहीं चलोगे? मेरी माँ मिली? मिल जाएगी। आओ चले। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाए हैं सब अधूरी किसने लिखी है नहीं जानना है। जाने उनको नाएगा कोई समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी
भट्टी में आकाश सारा। कमांडो का सबसे अच्छा दोस्त है। हम यहाँ सांप पकड़ना इसलिए सिखाते हैं कि जब जंगल में हमारे पास खाने पीने की कोई चीज नहीं होती तब हम इसके सहारे जी सकते हैं। जो कमांडो सांप को खा सकता है वो दुनिया के किसी भी जानवर को खा सकता है। सुनना चाहोगे? तिलारी से थोड़ा सा दूर अंदर की तरफ तूफा नहीं मतलब मंगल डैम से पहले। हाय हाय अंकल। हाय डैड। हाय सोनी। सिट डाउन, गिव हिम कम। ओके ओके थैंक यू। बाय। बैठ। जॉगिंग? यस अंकल। कमांडो विंग ज्वाइन करनी है? नहीं बिल्कुल नहीं अंकल। अंकल ये आपके गंजे है ना? गंजे नहीं, कमांडोज। हाँ वही अंकल, बिसल बड़ी अच्छी बजा लेते हैं। लड़कियों को ऐसे घूर के देखते हैं जैसे जिंदगी में कभी देखा ही ना हो। किसने बजाई सीटी? पता नहीं अंकल, सभी तो एक जैसे दिखते हैं। कैसे बजाई? ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बजाई थी। हमारा मिशन है दुश्मन कॉम्बिनेशन डंबर बात करना। इस सरप्राइज मिशन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। मिशन के दौरान हमारे पास खाने पीने की कोई भी चीज नहीं होगी। हमें सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑफ द लैंड रहना होगा। वाटर डिसिप्लिन, बिना मेरे हुक्म के कोई भी कमांडो पानी नहीं पिएगा। यस सर। रास्ते में हमें दुश्मन के बूबी ट्रैप्स, माइंस और दूसरी रुकावटों का ख्याल रखना होगा। अगर कोई खतरा पेश आए तो आगे वाला ग्रुप पीछे वाले ग्रुप को खबरदार करेगा। वो आप कैसे करेंगे? 2x2? सर पंछियों की जैसे व्हिसल करके। कैसे? सिट डाउन बेटा। सर। सिट डाउन। सर। खान। सर। बिल्कुल सही। मिशन पर जाते वक्त तुम्हारे बिट्टू में 15-15 किलो रेत की 2 बोरियां होंगी। अच्छा निकाल दो। रिटायर। यस सर। इधर आओ।
खान, तुम्हारे बड़े जख्मी हैं, इसके आगे तुम इसे कंधे पर उठा कर ले जाओगे। कमान फास्ट फास्ट फास्ट। पीटर, मेरा ऑर्डर था, मुझसे पूछे बगैर कोई पानी नहीं पीता। सर इसकी हालत बहुत खराब है सर। खान रख दो उसे नीचे। पीटर, अब तुम उसे उठा कर लेके चलोगे, उसकी हालत खराब है। बहुत दर्द हो रहा है सर। डॉक्टर माथुर बराबर कर देंगे, चलो। तू छोड़कर नहीं जा सकता। अब बर्दाश्त नहीं होता यार। क्यों अपने करियर की बत्ती गुल कर रहा है यार? पीटर, कोर्स तो तुझे पूरा करना ही होगा, उससे तो छुटकारा नहीं है। आज तो यूनिट जाएगा, कल वो तुझे वापस भेज देंगे। और तू समझता क्यों नहीं यार, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो सकता है। तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? यस सर, आई कांट डू इट, मुझसे नहीं हो सकता। आप मुझे फेल कर दीजिए, अपने यूनिट वापस भेज दीजिए। देखा कौन है ये? मेरी मंगेतर सर। उसे कहना तुम डर कर वापस भाग आए हो। बहुत खुश हो जाएगी कि एक नामर्द के साथ उसकी शादी हो रही है। और अपने मां बाप से कहना उन्होंने एक सोल्जर को नहीं हिजड़े को पैदा किया है। बेल जोकर्स, सर कल सुबह पीटी के बाद 7 बजे लीडो टैंक। गुड नाइट। कमांडो पीटर। सर सर कमांडो डिसूजा तैयार। सर कमांडो पीटर डिसूजा शुरू कर। Thank you.
कमांडो। कमांडो ट्रेनिंग कामयाबी से पूरी करने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपने जिन मुश्किलात पर विजय पाई है वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मेरा विश्वास है कि ये विजय लड़ाई के हर मैदान में अपने आप को दोहराती रहेगी। एट द एंड आई वुड वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्ट्रक्शनल स्टाफ ऑफ द कमांडो विंग लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कमांडो पीटर डिसूजा ऑन बींग द प्राउड रेसिपियंट ऑफ द कमांडो डैगर। Bimbo is a little boy who's got a million friends. Every time he passes by, they all invite him in. He'll clap his hands, sing and dance, and talk his baby all. With the hole in his hands, and he's thinking out, he's just big enough to crawl. Bimbo, Bimbo, where you gonna go? ऑर्डर दीजिए सर। रन जोकर रन 20 राउंड्स। सीधा दौड़ के शर्ली के पास जाऊंगा। और ये तो बताइए सर, आप जाके उससे क्या कहना होगा? उसे कहना ऐसे नहीं, ऐसे आया। हाय खान। सर तुम्हारी बत्ती कैसी है? बस सर, गुल होते होते बच गई। लेकिन सर दिगंतों को आपसे बहुत शिकायत है। क्यों? Hey, 2x2. Yes, sir. The stars stay all bright. All the girls follow him just to beg him for a bite. क्या शिकायत? कुछ नहीं। खान कह रहा था तुम्हें हमसे कुछ शिकायत है। ये सर क्या नाम दिया है आपने? क्या नाम दिया? 2x2. प्यार से दी हुई चीज रखा करते हैं, समझे? सलाम साहब। राम राम। कमांडर साहब ने आपको याद किया है श्रीमान। चलो आता। अभी मैंने जनरल साहब से बात की है सर। एक अर्जेंट काम हमारे जिम्मे आया है जिसको पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है सर। तीन आतंकवादियों ने सेंट पॉल स्कूल के पिकनिक गए हुए 20 बच्चों और उनकी दो टीचर्स को बस के साथ हाईजैक कर रखा है। हमें उन्हें छुड़ाने का टास्क मिला है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन नाउ इस वक्त वो स्क्वायर 6486 मंगल डैंग पर सर्च पॉइंट पर हैं। आतंकवादियों ने सरकार को कल दिन के 12 बजे तक का समय दिया है। आतंकवादियों का कहना है कि अगर उनके साथियों को न छोड़ा गया तो वो लोग हर घंटे में एक बच्चे को मार डालेंगे। हमें उन बच्चों को हर हाल में बचाना है। लेकिन हमारे पास रिहर्सल के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है सर। एंड सर, रिहर्सल इज अ मस्ट। लेकिन इस उम्मीद पर प्लान मत करो। बाय द वे, इस मिशन में तुम किस किस को चुनोगे? मेरे ग्रुप के ऑफिसर अभी तक यूनिट वापस नहीं गए, उनमें से चुनूंगा। उस जगह की कुछ स्लाइड्स हमें मिली हैं। कर्नल वीके सिंह विल एक्सप्लेन इट टू यू। Thank you.
अच्छाई है। ये बंदूक मुझे चाहिए। चुप रहो। बोलो ना अंकल को, ये बंदूक मुझे चाहिए। जिद नहीं करते। दे दो ना। यही ठहरोगे, हम 10 बजे लौटेंगे। सर। जाऊं पेशाब करने? रुको, वही करो।
जैसा कि मैंने कहा था, तीन ही आतंकवादी हैं। एक बस के अंदर है, दूसरे दो सेंट्री ड्यूटी पर हैं। बाएं वाला यहां से तकरीबन 20 गज दूर यहां झाड़ी में खड़ा है। दाहिने वाला आतंकवादी बस से 30 गज दूर यहां है। खान सर, तुम बाएं वाले आतंकवादी को साइलेंस करोगे। यस सर। देशपांडे सर, तुम अपनी बड़ी की हिफाजत के लिए कवरिंग फायर दोगे। यस सर। अगर बस वाला आतंकवादी अपने साथी से संपर्क करे तो तुम इस तरह जवाब दोगे। कोई शक? नो सर। ये टास्क तुम्हें 0413 के पहले पूरा करना होगा। सर। खंडागले? यस सर। ठीक 0415 बजे मैं बस वाले आतंकवादी का ध्यान विचलित करूंगा। जैसे ही फायरिंग की आवाज होगी, दाहिने वाला आतंकवादी बस की तरफ हरकत करने की कोशिश करेगा। तुम उसे खत्म करोगे पीटर। सर। दिगंतो सर, तुम पीटर को कवर करोगे। सर। कोई शक? नो सर। सर अपनी अपनी घड़ियां मिला लो, जब मैं टाइम कहूंगा तब ठीक 10:30 होंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं जाना नहीं चाहता। जाओ। जी जी मुझे मत मारिए, मैं बाहर जाना नहीं चाहता। नीचे जाके देखो कौन है। उठो जाओ, नीचे जाके देखो। कोई नहीं है, कोई नहीं।
क्या है? देखो तो कोई आवाज हो रही है। जैसे ही कोई आता है गोली चला देना। Yes, sir. आर्मी है। जरा रुक गई है
कहीं जिंदगी बह रही है। चेहरों के मेले में चेहरे थे गुम, एक चेहरा था मैं एक चेहरा थे तुम। चेहरों के मेले में चेहरे थे गुम, एक चेहरा था मैं एक चेहरा थे तुम। जाने क्या तुमने दे दिया मुझको जहान, मिल गया धड़कन जरा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह रही है। होंठों पर बात रहे बातों में सुर बहे, सुरों में गीत वही तुम्हारी ही बात कहे। मिट जाओ सपनों की आगोश में, भीग जाओ यादों की बौछार में, धड़कन जरा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह गई है। कुछ दवा दे दीजिए सिस्टर प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखिए मैंने नींद की दवा दे दी, आप चुपचाप सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही सिस्टर, मुझे 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 बहुत दर्द हो रहा है। नहीं मैं और दवा नहीं दे सकती, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब, डॉक्टर से कहो मुझे मुझे सहारा ज्यादा नहीं, मैं ओवरडोज नहीं दे सकती। चुप करो, आराम से सो जाओ। क्यों चिल्ला रहे हो, क्या प्रॉब्लम? वहां एक फौजी अपनी टांगे घुमाकर भी उठ तक नहीं करा, और तुम इडियट सोल्जर होकर कमजोरी की तरह चिल्लाते हो। सॉरी सिस्टर। इस कमांडो अभियान के दौरान हमारे अफसरों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया है उसे देखते हुए राष्ट्रपति ने मेजर चौहान को कीर्ति चक्र, सेकंड लेफ्टिनेंट पीटर डिसूजा को शौर्य चक्र और सेकंड लेफ्टिनेंट आनंद दिगंतो मिली को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की है। अब सुनिए खेल समाचार। नई दिल्ली में चल रहे 10 दिवसीय एशियाई खेल प्रतियोगिता में भारत ने आज भी कोई पदक प्राप्त नहीं किया। हेलो, वी हैव डन इट सर। राष्ट्रपति ने तुम्हारे लिए शौर्य चक्र अनाउंस किया। ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए था सर। इससे बड़ा अवार्ड तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं पीटर डिसूजा कहाँ है? आई एम जॉन डिसूजा, वो मेरा बेटा है। Thank you.
लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू नो लेफ्टिनेंट पीटर इज लीविंग अस ड्यू टू मेडिकल रीजंस. आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज प्राइवेट लाइफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू आई रिक्वेस्ट लेफ्टिनेंट पीटर टू एक्सेप्ट अ स्मॉल मोमेंटो फ्रॉम मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल स्टाफ. Thank you, sir. मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा हमेशा. शर्ली शादी कर रही है पर अफसोस कि वो मुझसे ही कर रही है. मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की सर कि वो किसी साबित आदमी से शादी कर ले जो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी और के किस काम का. जवाब में उसने जो कहा सर वो मैं लेटर में नहीं लिख सकता, वो आपको खुद आके सुनना होगा. इसीलिए आपका आना बहुत जरूरी है. शादी अगले सैटरडे 25 जनवरी को है, लेकिन सर आप अगर इस मौके पर नहीं आए तो ये मिशन अधूरा रह जाएगा. आपका जोकर पीटर. चाहिए सर? नहीं. फर्स्ट क्लास होटल सर, ऑफ सीजन डिस्काउंट भी मिलेगा सर. नहीं चाहिए सर. आइए ना, मैं अपना कमीशन छोड़ता हूं. नहीं चाहिए सर. इधर देखिए ना, इधर एक बार ट्राई कीजिए, बाकी सब बंदोबस्त हो जाएगा. तुम आदमी हो या दलाल? बस यहां रहो. कौन है आप? जाओ. मैं पीटर का दोस्त हूं, उसकी शादी के लिए आया. पीटर मर गया. In faith in Jesus Christ, we reverently bring the body of our brother
to be buried in its human imperfection. Let us pray with confidence to God, who gives life to all things, that he'll raise up this mortal body to the perfection and company of all saints. Amen. लेकिन क्यों क्यों जानना चाहते हो? क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या बदलने वाला है उसे? वापस आ जाएगा वो? पीटर इज डेड, ही इज गॉन। क्या उसकी टांगे काट कर भेज दिया मेरे पास? दिमाग खराब कर दिया उसका, फिर उसकी जान चली गई। लेकिन पीटर है मेरे साथ, है उन्हें समझने की कोशिश कीजिए।
जवाब में उसने जो कहा सर, वो मैं लेटर में नहीं लिख सकता, वो आपको खुद आके सुनना होगा, इसीलिए आपका आना बहुत जरूरी है। पीटर का आपके लिए मैसेज था। मरने से पहले उसने कहा था कि कहा था कि वो मैदानी जंग छोड़कर नहीं भागा, आखिरी सांस तक लड़ता रहा, सबके सामने मार डाला उसे। मार डाला सबके सामने, सब उसकी मौत का तमाशा देखते रहे, कोई सामने नहीं आया। ये सब कैसे हुआ? अंकल के साथ पीटर का आर्ग्यूमेंट हुआ था पिछले दिनों। डैड मैंने आपसे कितनी बार कहा आई डोंट लाइक दिस। हाँ वो तूने कपड़ों का ट्रायल दिया? दे दूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरे मना करने पर भी आपने उन्हें पैसे क्यों? पीटर, अरे अरे हो वो जो तू टाई पेन देखना मांगता था ना, शर्ली विली को मैं देखा है। कम ऑन डैड, बात को टालने की कोशिश मत करो। तू काहे को बेकार की बातों में पड़ रहा है? अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है क्या? कितने काम दूरे पड़े हैं। काम तो होते रहेंगे डैड, और तुमने तो कहा था आजकल हम हफ्ता नहीं देते। क्यों झूठ बोलते हो मुझसे? जब हम लोग शरीफ दुकानदार हैं तो हफ्ता देने की क्या जरूरत है? मैं अकेला नहीं देता, हम सभी देते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो वो लोग यहाँ आके तोड़फोड़ करेंगे, मारा मारी करेंगे। Try to understand my son. अगर कोई मरमरा गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कितने गुंडे हैं? 8, 10, 20 कितने? और हम लोग कितने हैं? हम सब मिलकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हम शरीफ लोग हैं बेटे, लड़ना हमारा काम नहीं है। यूं समझ लो थोड़ा पैसा देके हम उनसे अपना चैन खरीदते हैं। उसके बाद मैंने पीटर को समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। उसका कहना था वो लड़ेगा उनसे, बार बार यही कहता था। Soldier never quits till he's dead. आप ही ने कहा था ना अंकल, घबरा गए थे मुसीबत से बचने के लिए, पैसे लेकर सुबह गुंडों के अड्डे पर गए। शायद उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी, गुंडे वहां से चल दिए थे। पीटर बेकरी के अंदर बाहर, बेकरी के बाहर था जब गुंडों ने उसे अंकल के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि अगर हफ्ता लेने आए हैं तो यहां से चले जाएं, आज से कोई दुकानदार हफ्ता नहीं देगा। Oh!
देगा। नहीं। कौन हफ्ता देगा? नहीं। तेरी हफ्ता देगा कि नहीं? नहीं। पुलिस ने कुछ नहीं किया? किया, पंचनामा किया पीटर की लाश का और इस आजादी का। पुलिस को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला, क्योंकि जिन सैकड़ों लोगों के सामने पीटर को जान से मार दिया गया वो सब शरीफ थे। डर के आड़ में जीने की आदत है उनको, इसी डर की डोर से आपस में बंधे हैं वो सब, जो ना बुरा देखते हैं ना कहते हैं और ना सुनते हैं। कौन चाहिए? सिंह साहब अंदर है। हाँ हेलो। ठीक है साहब। यस मेजर चौहान। प्लीज पीटर मर्डर केस के बारे में क्या हुआ? केस फाइल कर दिया है। क्यों? क्योंकि जुर्म को साबित करने के लिए आई विटनेस की जरूरत होती है, चश्मदीद गवाह। और आपको कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला? आप लोग जाइए, बेफिक्र रहिए। जी साहब। मेजर साहब, अगर गवाह मिला होता तो केस फाइल ही क्यों होता? लेकिन उसे तो सैकड़ों लोगों के सामने मार दिया गया। क्या आप कहते हैं? नहीं, सभी जानते हैं। ठीक है, उनमें से दो गवाह ले आइए, मैं केस ओपन करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं गवाह दूंगा। देखिए, मैं वहाँ जाकर आ चुका हूँ, दोबारा जाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, अगर आप नहीं आते तो मुझे आपके सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा। चाहे तो आप अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वक्त नहीं है। लगता है आप यहाँ के रिवाज से वाकिफ नहीं, इसीलिए आपकी तसल्ली और आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। आइए। क्या यहाँ पीटर डिसूजा का मर्डर हुआ था? तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ। आप कुछ जानती हैं इसके बारे नहीं, में? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, वो उधर रहते थे, वो मर गए। कैसे? मालूम नहीं। हम तो एयरपोर्ट गए थे, इसका भाई दुबई से आने वाला था और कस्टम वाले भी परेशान करते थे सर, हमको कुछ मालूम नहीं। हेलो मिस्टर डिसूजा। हेलो। आप पीटर के फादर हैं, आपको हमसे कोई शिकायत? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। कौन से भी आदमी से पूछ लो, तुम भाषा तुम गार्ड, कोई नहीं शिकायत, शिकायत नहीं। देख लिया मेजर चौहान, फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर कोई गवाह मिल जाए तो केस कभी भी बनाया जा सकता है। गुड बाय मेजर। गुड बाय मिस्टर डिसूजा। गुंडों ने किसी को मार दिया तो न्यूज हो गया। बंबई जैसा शहर में सैकड़ों लोग रोज कुत्ते बिल्ली जैसे मरते हैं, आप इसे न्यूज कहेंगे? न्यूज तो इसे कहते हैं। पीटर कोई मामूली इंसान नहीं था, शौर्य चक्र विजेता आर्मी अफसर था। उसने अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से बच्चों की जान बचाई, अपने साथियों की जान बचाई। आतंकवादी की कहानी तो छपी थी, दैट वाज न्यूज, लेकिन अभी क्या है? प्लीज। हेलो। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। होम मिनिस्टर को ठंडी लग गई, छापता हूँ। क्या, लड़ने जा रहे हैं? वो भी छापता हूँ। हाँ हाँ, फ्रंट पेज पे छापता हूँ।
आप जा रहे हैं? थैंक यू। नहीं, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं पेइंग गेस्ट रखती हूँ। बेटा, इनको ऊपर का कमरा दिखाना। चलिए। लाइट ऑन करो। ये कमरा 600 रुपया भाड़ा और 2 मेरे का एडवांस। जाओ। ये बाथरूम 1 घंटा पानी आता है, इसमें भर देना है। जाओ। ये स्टोर जब चाहिए तभी चाय बना लेना और सुबह एक बार मैं लाऊंगा। ये दरवाजा हम हमेशा बंद रखते हैं, जब पापा थे तब ये हमारा सोने का रूम था। जाओ। ये टेबल फैन जब चाहिए तभी लेकर लेना, 3 पर रखना नहीं तो गर्म हो जाता है। ये लाइट 11 बजे बंद कर देना नहीं तो बस्ती के लोग चिल्लाते हैं। ये टेबल है, जब भी चाहिए तभी लगा लेना। चल रहा है और जो भी आता है वो मुझे कहानी सुनाता है। अब मैं जाऊं? तुम बहुत अच्छी बात करते हो। हर वक्त मैं ही बात करता हूँ, माँ कभी बात नहीं करती और मैं ही भाड़ा लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रकांत देवधर, लेकिन लोग मुझे प्यार से चीकू बुलाते हैं। चीकू? माँ मुझे बोलती है कि तुम चीकू की तरह स्वीट हो। इसमें क्या है? चीकू माँ बुला रही है, मैं जाता हूँ, उसको सुबह जल्दी जाना है। कहाँ? माँ नर्स है ना? अच्छा, वो स्टोरी वाली बात याद है ना? याद है। ठहरो एक मिनट। ये माँ को देना एडवांस। थैंक्स। गुड नाइट। माँ ने कहा एडवांस नहीं चाहिए। गुड नाइट। वापस आया यहां? गेट आउट ऑफ हियर। कम सिट डाउन प्लीज। ये जानना चाहते हो ना तुम कि मैं पुलिस के सामने चुप क्यों बैठा है ना? मेजर पीटर का मां उसको पैदा करके मर गया, यहां छाती से दूध का बोतल लगा के बड़ा किया लाया उसको। पूरे बच्चे को इस तरह छीन लिया गया है मेरे से। पहले उसको देख के जीता था, अब उसका दुख लेकर जीता हूं। मैं नहीं चाहता इस तकलीफ से किसी बाप को गुजरना पड़े। अब रही बात दुख की, दुख तो है, कौन दुखी नहीं है? बोलो, किरण को ही देख लो, मां बनने वाली थी,
पिकनिक को गई थी हस्बैंड के साथ, गुंडे छेड़खानी किए, उसके हस्बैंड ने एतराज किया और मारा गया। हाथापाई में उसको भी ऐसी चोट लगी कि माँ बनने का सपना सब नहीं रह गया। ये चीकू उसका बेटा नहीं है, समझे? अस्पताल में कोई अभागिन उसको जन्म देते ही मर गई, किरण उसको गोद ले ली। ये बात किसी को नहीं मालूम क्या? फिर भी लड़ रही है अकेली, दुख। ये आर्मी के रूल्स यहाँ नहीं चलते मेजर। पीटर इस बात को नहीं समझा, तुम भी नहीं समझते। A soldier never quits till he is dead. पीटर इस बात पर यकीन किया। क्या मिला उसको? एक व्हील चेयर और ग्रेवयार्ड में 2 गज जमीन। A soldier never quits till he is dead. देखो वहाँ, देखो देखो वहाँ, दिखती है, देखो दिखती है वहाँ, दिखती है पीछे उनके सामने। मेजर साहब। हेलो। नहीं, वो पेंशन मिली थी, पैसे का पैकेट शायद किसी ने मार दिया। कितने हुए? 10 रुपए। आइए ना प्लीज। आइए बैठिए। थैंक यू। शर्ली, मेजर के लिए कॉफी बनाओ प्लीज। शर्ली? शर्ली नहीं है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी आजादी का मुंह देखना पड़ेगा। क्या हुआ आज? इस आजादी ने लूट लिया हमें। फिर वही किस्सा बेटा, रिकॉर्ड आजादी, इंडिया, कंट्री, फ्रीडम। कब तक बजाते रहोगे? सुधर जाओ बुढ़ापे में। Shut up. You good for nothing. हेलो। हेलो। और भी तो फ्रीडम फाइटर थे इनके साथ, सब ने अकल से काम लिया, बहुत माल बनाया, और ये ईमानदारी की चिंगम खाते रहे। पेट भरता है क्या उससे? चुप रहे। कब तक चुप रहूंगा मैं? चलो फुट यहां से मवाली। शर्म आती है तुझे अपना बेटा बोलने में? दिन भर गुंडा लोगों के साथ मस्ती करता है, चरस पीता है। क्या करो, घर में बैठ के लेक्चर पियूं तुम्हारा? अच्छा जॉब मिल रहा था दुबई में, लाखों के ढेर लगा देता। तुम्हारे पास 5,000 रुपया नहीं निकला मेरे लिए? दिल जलता है तो जबान भी जलती है। अब बताओ क्या करूं मैं? अरे बेशर्म, दरिया में जाके डूब क्यों नहीं मरता? बैठा रहता है बाप के सिर पर रास्कल। मैं दरिया में डूबेगा तो तुमको भी साथ ले जाएगा। फ्रीडम फाइटर बनते हैं, कंट्री के वास्ते कोई घर बर्बाद करता है अपना? हाँ, तुम जिम्मेदार हो हमारी बर्बादी के लिए। जो अपने बच्चे लोग को नहीं संभाल पाया वो कंट्री के वास्ते क्या करेगा? क्या किया तुमने? क्या मिला तुमको? महीना 400 रुपए सरकारी भीख, और वो भीख मिलने के लिए भी पहले सरकार को तुम जिंदा हो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है। फ्रीडम फाइटर, गेट आउट, गेट
लास्ट यू स्टूपिड फूल, गो अवे। एक्सक्यूज मी, नहीं पैदा होता तो अच्छा था। कौन जिम्मेदार है? मैंने एप्लीकेशन दिया था। मेजर आइए। लोफर को आपने सीटी मारने की सजा दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा आपने सीटी की आवाज सुनी ही नहीं। चिकू के पापा के जाने के बाद मैंने सीटी की आवाज सुनना ही बंद कर दिया। अकेली विधवा को तो सभी चाहेंगे ना। कोई सीटी बजाता है, कोई ताली मारता है, कोई हमदर्दी जताता है, सबका अपना अपना ढंग है। मेजर फिर भी बहुत अच्छा लगा, आज किसी ने सीटी का जवाब तो दिया। धन्यवाद। चाय के लिए शुक्रिया। हेलो। हाय, सॉरी मुझे पढ़ाई करनी है। माँ मुझे भूख लगी है। बड़ा प्यारा है। मेरा है। नमस्ते भाई। नमस्ते। कैसा रे? अच्छा भाई। क्या अंकल, कब तक बंद रखेंगे बेकरी? हाँ जल्दी चालू करो अंकल, कितना दिन बंद रखेंगे? किस बात के पैसे? चल बे चल। किस बात के पैसे? अब ज्यादा बढ़ गए। अपने पीटर को, नहीं तो अपना पीटर कितना अच्छा था। कल तुम यहाँ से चले जाओगे, हमको कौन बचाएगा? हमको तो यहाँ रहना है। आर्मी के लोगों का क्या काम है यहाँ? ऐसा डेंजर आदमी को छोड़ने नहीं मानता, इसको मैं पुलिस में देना मांगता हूँ।
मेजर चौहान, यहाँ के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस इलाके में अशांति फैलाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक आर्मी ऑफिसर हो, इसलिए वार्निंग देकर छोड़ देता हूँ। दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हो तो अच्छा है। प्रधानमंत्री की सवारी आ रही है, चलो पीछे हटो। मेरी बच्ची की तबीयत हटो, पीछे करो सबका। तुम पे दया की ना तो अपनी नौकरी जाएगी, ले जाए पीछे। डरो मत, डरो मत। अरे तुम लोग चुपचाप खड़े क्या हो, बोलो साहब। डरो मत, डरो मत, मुझे जाने दीजिए ना अस्पताल। देखिए ना, ओ ओ साहब, देखिए ना बच्चे की हालत, देखिए ना साहब। जाने दीजिए उन्हें, उस पर तो जाना है, कितनी देर लगती है। चलो अपना काम करो, हमें अपनी ड्यूटी करने दो। वो साइकिल वाला पीछे कर। ये क्या हो गया? किसकी ड्यूटी करते हैं आप? कौन तनख्वाह देता है आपको? किसका काम करते हैं आप? आपके माँ के साथ भी ऐसे ही होता तो आप इसी तरह सड़क पे पैदा होते और मर जाते। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। देखिए, वो जो पड़े हैं ना, वो आप है, और वो चिल्ला रही हो आपकी माँ। रुपया लगता है, भीख साला 5 रुपया भी मांग के नहीं लाएगा तेरी तो। साला गटर का ढक्कन। निकाल, मेरा थोपड़ा क्या देखता है? घड़ियाल निकाल, तुम जाओ पूरा घुसेड़ दूंगा, चल निकल।
हेलो, आपने तोड़ा है? नया लगा देना, एक का 15 रुपए लगता है। अच्छा लगा देंगे। क्या राजकुमार को उसकी मां मिली? धंधा चालू कर दिया क्या? हम लोग सब मर गए क्या? अपनी बस्ती का सिस्टर बाहर वाले पेशेंट का सेवा करे, ये अपन को नहीं चलेगा। आ, चल ऊपर वाले को हकाल दे, आज के बाद तेरे हर रात की बुकिंग अपने साथ। बोल कितना एडवांस मांगता है? ए, खोल दरवाजा, देखते हैं तेरे माल का ग्रेड क्या है। ए, चल निकाल उसको बाहर, देखते हैं उसमें हिस्सा क्या है जो अपन में नहीं है। चल निकाल। ए, तू ऊपर क्या चूड़िया बन के बैठा रहे? चल बाहर निकाल। Thank you.
ऑन किलमिंग किलमिंग कम ऑन किलमिंग किलमिंग Ah!
क्या समझते हो तुम? तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम यहां आओगे, घरों में पत्थर फेंकोगे, गालियां दोगे, एक अकेली औरत को सताओगे, एक कमजोर औरत तुम्हारा कर ही कह सकती है। तुम जानते हो इसकी मदद करने वाला यहां कोई नहीं है, क्योंकि जब भी तुम आते हो सब अपनी खिड़की दरवाजों के पीछे छिप कर बैठ जाते हैं, कोई उंगली नहीं उठती, कोई खिड़की नहीं खुलती, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इन खिड़कियों के पीछे बैठकर तमाशा देखने वाले उतने ही गुनाहगार हैं जितने कि तुम। तुम्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी तादाद में हो तुम लोग, कीड़े मकोड़ की तरह फैले हो। इसका मतलब यह नहीं कि मैं थक कर बैठ जाऊंगा। जब तक तुम अपना काम करते रहोगे मैं अपना काम करता रहूंगा। कम ऑन, गेट अप, किल मी, किल मी। किल मी। सर, पिछले 43 वर्षों में हमने देश की सीमा पर सिर्फ 3 लड़ाइयां लड़ी और इन 3 लड़ाइयों में वक्त लगा था 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। बाकी के 42 साल और 9 महीनों को हम पीस टाइम कहते रहे, शांतिकाल। क्या इसे हम शांतिकाल कह सकते हैं सर? हमें आर्मी में सिखाया जाता है सीमा को दुश्मन से बचाना, देश के लिए मर जाना। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मैंने उन्हीं का पालन किया है। मरने की कोई जायज वजह तो होनी चाहिए, हमारे लिए वजह है देश। लेकिन देश का मतलब क्या है? सड़कें, इमारतें, खेत खलियान, नदियां, पहाड़, बस इतना है। और लोग, वो कहां है, किसे बचाएं हम? सीमा पर तो हमें मालूम है गोली किस पर चलानी, यहां जिधर भी देखो दुश्मन ही दुश्मन है और दुश्मन फिर दुश्मन है। फर्क सिर्फ इतना है, एक सीमा के उस पार, एक सीमा के इस पार। और इस पार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, खोखला बनाता जा रहा है। फिर इस दुश्मन से लड़ना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा हक नहीं है। और हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं फौजी हूं। सोल्जर नेवर पेड स्टील इज डेड, यह हमारा मूल मंत्र है। अगर लड़ाई के मैदान बदल जाते हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग। मेजर चौहान के दिमाग पर समाज की बुराइयों ने गहरा असर डाला है, जिससे वह अपनी भूमिका भूल गए और दूसरों की जिम्मेदारियां अपनी समझकर समाज को सुधारने की गलती की। ये काम हमारे नेताओं और शासकीय डिपार्टमेंट का है, ना कि आर्मी का। कोर्ट का फैसला है, जब तक मेजर चौहान के दिमाग से बाहरी बुरे असरात बिल्कुल धुल नहीं जाते, मेजर चौहान को सेक्रेटरी की देखरेख में रहना होगा। इस दौरान इनकी सैलरी और सीनियोरिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते हैं मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, फांसी दिया होता
Am I insane, sir? Come on, Chow. क्यों फिक्र करते हो? अब तो सब ठीक हो गया. Come on. नीचे चौहान. उनका कमरा ऊपर है. अंकल तो आने ही है. माँ अंकल चिको इतनी याद आई तुम्हारी, इतनी याद है, बस पूछो ही मत. पूछूंगा, तुम क्यों नहीं आए? कितनी राह देखी तुम्हारी, अब मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाता. तुम्हारे हाथ में कीचड़ लग गया. छी चिको, मिट्टी को छी नहीं कहते, इसी मिट्टी में तो फूल उगते हैं. देखना तुम, एक दिन यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल खिले होंगे. हवा में फूलों के खुशबू की महक होगी और फिर फूलों की गोद में बैठकर तितलियां सुनेंगी कहानियां पंछियों से. ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे कब? ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस वक्त तुम्हारे जैसे मेरे बहुत से दोस्त हो जाएंगे ना, तब मैं आजाद हो जाऊंगा. हेलो, कैसी हैं आप? कैसे हैं? मैं तो अच्छा. I have to go. Bye. माँ, अंकल तो बीमार नहीं है. हाँ, जानती हूँ चिकू, वो बीमार नहीं है. हम उनका इंतजार करेंगे. चल. जोकर, तुम यहां ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं. एक तरफ हो जाओ सर, एक तरफ हो जाओ. हमारे पीछे कोई आए न आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहां है. जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हीं रास्तों को बनाना हमें है.
करना कोई साथ दे तो अकेले सुन लगा खुद को जाने अंधेरा दिशा जिस पहचान संसार सारा कभी ना ढले जो वो ही सितारा दिशा जिस पहचान संसार धारा